तो आज की इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लैपटॉप के कीबोर्ड की लाइट कैसे आप ऑन कर सकते हो और कैसे ऑफ कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ। और वो एक सिंगल क्लिक में हो जाएगा और आपके कीबोर्ड के अंदर लाइट है कि नहीं वो भी आपको पता चल जाने वाला है। वैसे में अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो मेरा नाम है राज और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके तो गाइस, आपको इसको पूरी तरह से कैसे और किस तरह से करना है वो ध्यान से देखना, फिर आपको ना प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना जो कीबोर्ड लैपटॉप के अंदर जो लाइट चल रही है वो आपको दिख रही होगी आई थिंक सो, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है लाइट चल रही है और ये कुछ इस टाइप से आपको उसको करना है। अब कैसे करना है उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, इसको पहले साइड में रख देता हूँ वरना ये गिर जाएंगे मेरे हाथ से। तो अभी देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपके F10 बटन के ऊपर कुछ इस टाइप का साइन बना हुआ होगा या फिर आपके जो ऊपर जो एडिशनल कीज होती है F1 F2 उसके ऊपर कुछ इस टाइप का साइन बना हुआ हो तो आपके बैकग्राउंड कीबोर्ड आपके जो बैकलाइट कीबोर्ड है वो उसमें लाइट हो सकती है। वो किस तरह से चेक करना है मैं आपको ऊपर एक स्क्रीन पे ना छोटा सा एक दिख रहा होगा आपको जो मैंने अपने कीबोर्ड का जो फोटो डाला हुआ है वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने उसको लॉन्ग प्रेस करके रखने से आपका जो कीबोर्ड का लाइट जो है वो ऑन भी हो जाता है ऑफ़ भी हो जाता है, किस तरह से होता है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ। और उसको अनलॉक कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो है मैं आपको मेरे कीबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर करके दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा लैपटॉप पे करके। आपको सबसे पहले Fn जो की है आपके लैपटॉप की वो और एस्केप बटन एक साथ दबाना है, जिससे एस्केप की जो ड्यूअल फंक्शनल की होगी जो ऊपर की और कीज है जिससे आप ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो वो ऑन हो जाएंगी। और उसके बाद आपको F10 की पे क्लिक करना है। यहाँ पे F10 पे कोई मार्क नहीं है पर मेरे लैपटॉप के अंदर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ना मैं आपको यहाँ पे ही करके दिखा देता हूँ और आप सिनेमैटिक जो है वो स्क्रीन पे देख रहे होगे, दो चार बार देख भी लिया होगा। यहाँ पे आपको जो है F10 का की का बटन दिख रहा है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा अपना जो लाइट्स है वो ऑफ हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कैप्स लॉक पे ही सिर्फ लाइट चालू है अभी फिलहाल, और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ पे पूरे बैकलाइट के अंदर जो है मेरी लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। और गाइस ये वाला फीचर सभी लैपटॉप्स के अंदर वर्क नहीं करता है, ये तो मैं आपको एक फ़ीचर बता रहा हूँ, अगर आपका लैपटॉप है तो आप जो है अपने लैपटॉप के अंदर ट्राई कर सकते हो। और मैंने जैसा कि आपको F10 की के ऊपर लाइट का एक लोगो दिखाया था जो एक साइन था, वो आपकी कोई और की के ऊपर भी हो सकता है, मेरे केस में और डेल के लैपटॉप के अंदर F10 के ऊपर था, आपके लैपटॉप के अंदर कोई और की के अंदर भी हो सकता है, तो आप ज़रूर से चेकआउट करें। और आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप नए व्यूअर्स हो हमारे चैनल के तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम लेके आते रहते हैं। और अभी तो मैंने इसका एक छोटा सा फीचर्स बताया, मेरे को इसके कीबोर्ड के बारे में बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें पता है जो आपको नहीं पता होगी, कीबोर्ड की इतनी ज़्यादा शॉर्टकट की होती है और कुछ कुछ तो आपको पता ही नहीं होगी, उस सब के बारे में हम बात करेंगे कोई अगली वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, हम नेक्स्ट वाली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना देगी। आई होप कि आपको ये वाली छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना जिससे हम जैसी ऐसी नई नई वीडियोज़ रखें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वाली वीडियो में, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी।